नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बन रहे वीडियो में आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। मैंने लहसुन ले लिए, 5-6 कली गटा छोटे हैं तो गटे ले लिए, तो इनको अच्छे से साफ कर लिए। तो इतने लहसुन ले लिए। अब इसमें एक प्याज, एक टमाटर और धनिया, मिर्ची, हल्दी सब मैंने ले लिए इस कटोरी में। तो अब इसको पीसेंगे, तो चलो पीस के फिर मिलते हैं। तो दोस्तों जी, ले ली मैंने सब कड़ो लिए मिक्सर जाल में, मिर्ची, टमाटर, लहसुन, प्याज, सारे मसाले। तो मैं अब इसको पीस के फिर मिलते हैं। तो मैंने पीस लिए सारा मसाला, अच्छा पेस्ट बना के रख लिया। तो आप पेस्ट बना लिए, इसको हटाते हैं। आप करेंगे गैस चालू, इस पर रखेंगे तड़का पैन। तो इसमें डालेंगे अब तेल, तो तेल डाल दिया दोस्तों। तो गरम हो रहा है ये। अब इसमें जो सारे मसाले पीसे थे, लहसुन, प्याज, मिर्ची, अदरक, टमाटर, तो जो सब मसाले पीसे थे तब जो इसी में डालेंगे। तो अच्छे से चलाती हूँ इसको, पकाएंगे। चलो इसको पका लेते हैं अभी एक मिनट तक। तो मसाला अच्छे से पक गया है दोस्तों, अब देख सकते हैं तेल छोड़ दिया। तो जो लहसुन है तो ये डाल देते हैं सेगे गट्टा। तो हाँ, अभी सेगे गट्टा डाले हमने, तो इस तरीके से बना रहे हैं। तो देखिए आप, जो पानी इतना डाल देंगे अपनी हिसाब से, ग्रेवी के हिसाब से। तो इतना जी पानी डाल दिया मैंने, अब इसको अच्छे से कम नहीं 2 मिनट पकने देंगे। तो 2 मिनट ढक के पकाते हैं इसको, फिर मिलते हैं। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक गए हमारे लहसुन के पूरे गट्टे। ये देखिए बहुत अच्छी सी रेसिपी हमारी ये बन के तैयार है, बहुत अच्छे बन गए हैं लहसुन की सब्जी। अब तो सर्दी आ रही है, तो सर्दियों में लहसुन बना बना के सब्जी लहसुन की बना के खा सकते हैं, और अच्छी रहती है सेहत के लिए भी, और फिर सर्दी ना होती के लिए भी लहसुन की सब्जी सर्दियों में अच्छी लगती है। ये देखिए, तो दूसरे बर्तन में कूड़ेंगे हम, इसमें कूड़ो लेते हैं, दूसरे हैं हटाते हैं एक साइड। तो बहुत अच्छी सब्जी बन गई, मजेदार सी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।